हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ हाइपरवाइजर। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने देखा थे नंबर्स ऑफ स्पेशलाइज क्लाउड मैकेनिज्म, तो उसमें से ओवरलुक कर देते तो 8.1 ऑटोमेटिक स्केलर, इसमें 8.2 लोड बैलेंसर, 8.3 एसएलए मॉनिटर, 8.4 पेपर यूज मॉनिटर, 8.5 ऑडिट मॉनिटर, 8.6 फेल ओवर सिस्टम। ओके, इतने सिक्स हमारे कवर हो चुके। आज के इसमें हम देखेंगे 8.7 हाइपरवाइजर, देन 8.8 रिसोर्स क्लस्टर, 8.9 मल्टी डिवाइस ब्लॉकर एंड 8.10 स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस। ओके, ये हमारे नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। सो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं व्हाट इज एन हाइपरवाइजर के 8.7। तो हाइपरवाइजर क्या है? द हाइपरवाइजर इज अ मैकेनिज्म, इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्राइमरी यूज टू जनरेट अ वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस ऑन अ फिजिकल सर्वर। कि जो आपका फिजिकल सर्वर, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखते हैं, सिंपल वे में इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपरवाइजर क्या है। कि आपको सेम जो वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्चुअलाइजेशन के लिए हेल्प करने के लिए आपको यूज होता है। कि जैसे कि कोई लास्ट टाइम हमने देखा था वीएमवेयर यूज करके हमने क्या किया था, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था। कि तो एक नॉर्मल विंडोज के अंदर इफ आपको कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको वीएमवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी। बट वाइजिंग एंड हाइपरवाइजर आपके सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट ऑप्शन हम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज नथिंग बट द हाइपरवाइजर फॉर क्रिएटिंग एन फिजिकल सर्वर मशीन। कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर ही प्रीडिफाइंड सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू आपको वर्चुअलाइजेशन के लिए सपोर्ट मिलने वाला है। द हाइपरवाइजर इज जनरली लिमिटेड टू वन फिजिकल सर्वर एंड कैन बी देयरफॉर ओनली क्रिएट अ वर्चुअल इमेज ऑफ दैट सर्वर। जो हमारा हाइपरवाइजर है, स्पेसिफिकली हम क्या करने वाले, एक ही सिस्टम की जो हमारा सिस्टम वर्क हो रहा है, रन हो रहा है, उसके ऊपर ही हम उसको यूज करने वाले। सिमिलर हाइपरवाइजर कैन ओनली असाइन अ वर्चुअल सर्वर इट जनरेटेड टू अ रिसोर्स पूल दैट रिसाइड ऑन अ सेम अंडरलाइन फिजिकल सर्वर। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिया था जेन सर्वर का। ओके, इन अ जेन सर्वर वर्चुअल मशीन, ओके, उसके लिए जो स्पेसिफिकली एक वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया था हमारे फिजिकल मशीन के अंदर, तो उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, हाइपरवाइजर यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग एन वर्चुअल मशीन। तो हाइपरवाइजर हैज लिमिटेड वर्चुअल सर्वर मैनेजमेंट फीचर्स। ओके, जो कौन कौन से इसके अंदर लिमिटेड है, कि जैसे कि सच एज इंक्रीजिंग अ वर्चुअल सर्वर कैपेबिलिटी एंड शटिंग इट डाउन। कि एक स्पेसिफिक फीचर्स है, ओके, जैसे कि आपके वर्चुअल या फिजिकल सर्वर के अंदर जितने भी फीचर्स है उतने ही फीचर्स आप हाइपरवाइजर मशीन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब भी आपका जो फिजिकल मशीन है वो शट डाउन करेंगे, उसके साथ साइमल्टेनियसली आपका हाइपरवाइजर भी यहाँ पे शट डाउन होने वाला है। ओके, तो ये जो फीचर्स है ये आपके हाइपरवाइजर के अंदर है। ओके, सो हाइपरवाइजर क्या है? द हाइपरवाइजर कैन बी अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड डायरेक्टली इन अ बेयर मेटल सर्वर एंड प्रोवाइड अ फीचर्स कंट्रोलिंग अ शेयरिंग शेड्यूलिंग यूसेज रिसोर्सेज सच एज अ प्रोसेसिंग ऑफ पावर मेमोरी इनपुट आउटपुट। ओके, ऐसे नंबर्स ऑफ फीचर्स हमें प्रोवाइड करने के लिए हम हाइपरवाइजर यहाँ पे यूज करने वाले। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको ओवरव्यू देखते हैं कि किस तरह से आप हाइपरवाइजर यूज कर सकते हैं। सो हाइपरवाइजर के लिए आपके पास फिजिकल मशीन है। ओके, फिजिकल मशीन को वायरिंग जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर आप क्या कर रहे हो, एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो। इन अ वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म आप नंबर्स ऑफ जितने आपको रिक्वायर्ड है उतने नंबर्स ऑफ फिजिकल वर्चुअल सर्वर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, वर्चुअल सर्वर आर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल हाइपरवाइजर ऑन इंडिविजुअल फिजिकल सर्वर्स। ऑल थ्री हाइपरवाइजर आर जॉइंट कॉमनली यूजिंग एन सेम वीआईएम। ओके, तो वाइजिंग एन वीआईएम आप जितने भी नंबर्स ऑफ हाइपरवाइजर है सभी को एक दूसरे के साथ
कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ए हो गया आपका नॉर्मल हाइपरवाइजर। ओके, हाइपरवाइजर के लिए क्या आपका फिजिकल मशीन है, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर है, एंड उसके ऊपर जितने भी नंबर्स आपको रिक्वायर्ड हो गए उतने वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, इफ आपको कोई भी डाउट होगा हाइपरवाइजर के रिगार्डिंगली या वर्चुअलाइजेशन के रिगार्डिंगली, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, और इफ आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इफ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।